तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इटावा की ओर। इटावा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। ऐसे में लोगों के भीतर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी काफी बेहतर व्यवस्था की गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए। इस समय मैं इटावा के बसरेर ब्लॉक के दतावली पोलिंग स्टेशन पर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही जब 7 बजा है, सबसे पहले लोगों की लंबी लंबी लाइनें, पुरुष हों या महिलाएं हैं, सभी लोगों ने लंबी लाइन लगाकर कहीं ना कहीं जो एक मतदान करना एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में देखा जाता है, उसकी एक मिसाल पेश की है। और सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारें लगाने लगे हैं। जहां एक तरफ एक महिला की ड्यूटी लगाई गई है, जहां कोविड का संक्रमण रोकने के लिए जो उसकी गाइडलाइंस है उसका भी फॉलो किया जा रहा है। लगातार लोगों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और लोगों को डिस्टेंस में खड़े होने की बात की जा रही है। महिलाओं को भी जो मास्क है उसको लगाने के लिए कहा गया है कि मास्क लगाकर ही मतदान करने आए, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होता दिखाई नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़, इटावा।